आपको पता है कि सबसे ज्यादा दहेज के मामले किस कारण से बढ़ रहे हैं? तो इसमें सवाल निकल के आएगा, इसका जो जवाब होगा, सबसे ज्यादा जो दहेज के मामले होते हैं, देखिए दहेज प्रताड़ना के मामलों को दहेज प्रताड़ना का तब माना जाए जब आप ससुराल में रहते ये सब काम कराएं। अब कुछ लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, कहते हैं ससुराल में रहते उसको प्रताड़ित किया गया, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा, तो कैसे करेगी। चलिए ससुराल में रहते ना करें, लेकिन जैसे ही ससुराल से आए मायके, तत्काल आपको करना चाहिए। एक दिन बाद जाके नहीं, एक दिन किसी कारण से रुक गए तो एक हफ्ता बाद नहीं तो एक महीना बाद नहीं तो 2 महीना बाद। लेकिन आप कोई भी FIR उठा के देख लो, कि आप जानते भी हैं जब लड़की मायके आती है तो मायके आने के 6 महीने बाद 1 साल बाद उसको समझ में आता है कि अब मुकदमा हो जाए, अब मुकदमा कराना ही ठीक है। तो यहाँ भी एक सवाल निकल के आएगा कि साहब कुछ दिन तक तो लड़की इंतजार करती है कि शायद चीजें सही हो जाएं, तो ये भी मान लिया जाए कि हाँ भाई हो सकता है चीजें सही करने की वजह से लेट हो गई FIR, ये भी बात मान ली जाए। लेकिन चीजें सही कैसे हो जाएंगी? जब ससुराल में थी तो सबसे ज्यादा ट्यूशन मायके का ले रही थी, तो कहने का ये मतलब है कौन जिम्मेदार सबसे अधिक है, लड़की का भाई, लड़की के पिता, लड़की का अन्य परिवार, लड़की के रिश्तेदार या लड़की की माता? तो इसमें सबसे सटीक और सही जवाब निकल के आएगा लड़की की माता, कुछ केसों में उसकी भाभियां जो मायके में। लड़की की जो माता है वो इसलिए क्योंकि देखिए जो लड़की है उसका संबंध या उसका लगाव या उसका जो टचमेंट होता है सबसे अधिक माता से होता है। दिन भर में अगर 20 बार मायके में फोन लगाएगी तो गारंटी है कि 19 बार तो अपनी माता जी से बात करेगी। और गांव देहात में पोजीशन ये है कि दिन भर जो बात होती है उसमें क्या होती है, गैया दूध दी कि नहीं, कंडे पाथा कि नहीं पाथा, गेहूं कटा कि नहीं कटा, जेठानी ने आज ये कहा, देवरानी ने आज मेरे ये कहा, ये ताना माता मार रही थी, सास मार रही थी, ये ताना ससुर मार रहे थे, ये ताना देवर मार रहा था, देवर ने मुझसे ऐसे कह दिया, जेठानी ने मुझसे ये कह दिया, पति ने मेरे ये कह दिया। कहने का ये मतलब है कि अगर ससुराल में किसी को छींक आ गई होगी तो वो भी रिपोर्टिंग कहाँ चली जाएगी, सीधे मायके पहुंच जाएगी, फलाने को छींक आ गई भैया। अब कहने का ये मतलब है छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा करना ये किसका काम होता है, मायके में माता का काम, कुछ जो बच्चा मैंने कहा भाभियों का काम। हालांकि हर माता ऐसी नहीं होती है, लेकिन जिसकी माता सही सभ्यता, सही मानवता, सही तौर तरीका, सही रहन सहन, सही बोली भाषा जिस भी लड़की को सिखाई रहती है, समझिए उसका घर स्वर्ग होने में देर नहीं लगता। लेकिन जिसकी माता स्वार्थी, लोभी, सिर्फ अपना हित अहित देखने वाली होती है, तो समझो वो अपनी बेटी का घर सिर्फ और सिर्फ बर्बादी के कगार पे ले जाएगी, इसमें लिख लीजिए 100% श्योर। फिर एक बात आती है कि कोई भी जो जिम्मेदारी है वो सबसे अधिक किसके ऊपर है, ये आज की न माताओं के दिमाग में अकल आ रहा है न बहुओं के, क्यों, कहने का मतलब बेटियों के, वो क्यों, क्योंकि ये आप समझ के चलें कि जिस घर में आप गई हैं, अरे भैया विवाद करने की क्या जरूरत है, जो तुम्हें ठीक नहीं लग रहा है, जो भी ठीक नहीं लग रहा है, अरे कमरा तो अलग है, ये ही मिला, ऐसा तो नहीं पूरा घर एक ही कमरे में रह रहा है, कमरा अलग मिला है, खाना भी अलग बनाने लगो, रहना अलग है ये है, खाना भी अलग बनाने लगो,
यानी कि ये कह लो कि जो तुम्हारी इच्छा वो करो, लेकिन एक बात बताओ, जिस समय आदमी बीमार पड़ जाए तो क्या गांव के लोग आएंगे मदद करने? मान लो एक मिनट के लिए कि आदमी तुम्हारा नहीं है, अब तुमको भयंकर कोई बीमारी आ गई, बुखार आ गया, कुछ भी आ गया, कोई तकलीफ आ गई, अब सबसे तो तुम 36 का आंकड़ा लगा के रखा है तुमने, किसी से बोली भाषा है नहीं, तो बताओ तुम्हारी मदद कौन करने आए? और फिर पहले से तोप तो चली नहीं तुम्हारे में या और सब में परिवार वालों में, भैया कोई ना कोई तो बात होनी चाहिए। पड़ोसी से आदमी बातचीत करता है तो क्या फैमिली मेंबर से नहीं बात करता है? अरे जो चीज़ें अपना अलग कर लो, लेकिन प्रेम भाव बना के रखो, इस तरह से होना चाहिए काम। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह मोटिवेशनल वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।